नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम करेंगे हेडलैम्प टेस्ट रिव्यू, वो भी स्प्लेंडर प्लस, जो कि अभी 2021 में थोड़ा सा अपडेट हुआ था। मतलब ये हमारे पास जो है ये स्पेशल एडिशन है, वो ब्लैक है तो आपको दिखनी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुकी है। तो क्या है कि मतलब जो मीटर कंसोल वगैरह के लिए अपन को गाड़ी स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका मीटर कंसोल है, कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। पूरा सेटअप आपको एनालॉग साइड में नज़र आ जाता है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, I3S की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल की लाइट है, ये हाई बीम की लाइट है, इंडिकेटर के इंडिकेशन की लाइट इसमें मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर इसमें बल्ब टाइप में मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये आपको रेक्टेंगल शेप में देखने को मिल जाती है, और ये काफ़ी ब्राइट साइड में भी है। अब आते हैं पीछे, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि टेल लैंप आपको दिखाना पड़ेगा हमको। तो रियर का भी जो इंडिकेटर है वो आपको सेम फ्रंट जैसा देखने को मिल जाता है, और जो इसकी टेल लैंप है ये भी आपको बल्ब टाइप में नज़र आती है। तो ब्रेक मारने से जो लाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ब्राइट साइड में हो जाती है। और ये काफ़ी मतलब देखा जाए तो दूर से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी विजिबल भी है। अब आते हैं जो मेन मुद्दा इसका हेडलैम्प है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में। तो हेडलैम्प इसमें मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन बल्ब वाली मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ब्राइट साइड में। अभी क्या है कि जब अपन गाड़ी में बैठेंगे, थोड़ा सा आपको इसका जो रोड टेस्ट रिव्यू है वो भी देंगे, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा जो इसकी थ्रो है वो कैसी रहने वाली है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक बार अपन गाड़ी पर बैठ जाते हैं, तो गाड़ी पर बैठने के बाद में कुछ ऐसा मतलब आपको व्यू है। बंद हो गई। तो जब अपन गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो लाइट की जो रोशनी है कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। इसको अपन लो बीम में ला लेते हैं। तो लो बीम में आप देख सकते हैं जो लाइट है वो काफ़ी फैली हुई आपको नज़र आती है। ये मैं स्टाइल मारने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार गाड़ी बंद हो जा रही है। फिर बंद हो गई। तो लो बीम में आप देख सकते हैं जो लाइट है वो काफ़ी फैली हुई आपको मिल जाती है। इसमें देखा जाए तो मतलब अभी हाल फिलहाल में जब मैंने अप्रिलिया SR160 का जो हेडलैम्प टेस्ट रिव्यू किया था, बार बार यार, तो उसमें क्या होता था कि जो हेडलैम्प है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो सिटी वगैरह में भी उतनी खास जो रोशनी है वो मतलब उतनी थ्रो अच्छी नहीं थी। बाकी यहाँ पर स्प्लेंडर की जो लाइट है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको थ्रो वगैरह देखने को मिल जाती है। ये जो है I3S ऑन था, इस वजह से हो रही है। अभी ये हाई बीम में आ गया, तो हाई बीम में आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक जो लाइट है वो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, ये मतलब DC कनेक्शन नहीं है, AC कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये मतलब जो लाइट है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन फ्लक्चुएट टाइप आपको दिख जाती है। बाकी आप यहाँ पर लाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइट मिल जाती है। मतलब ठीक है यार, आप ना अगर इसको ना हाईवे वगैरह में भी यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आप ऑनेस्ट रिव्यू दिया करो कि आपको कैसी आपको हेडलाइट लगती है। तो आप देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ये जो लाइट है वो ठीक लग रही है। बाकी आप एक बार चेक कर लो, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसका लो बीम ला लेते हैं। बाकी आप इसका जो रोड टेस्ट वाला जो वीडियो है आप वो देख लीजिए। बाकी उसके बाद हम मिलते हैं फिर।
बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडीज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।